दोस्तों हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है, इसीलिए गाय को गौ माता कहा जाता है। और हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा देने की वजह से ही बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवता विद्यमान होते हैं, विराजमान होते हैं, या ऐसे कहें कि 33 कोटि देवी देवता उनमें वास करते हैं, इसीलिए गौ माता को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है कि गौ माता को कुछ भी खिला देने से या उनकी सेवा करने से काफी सुफल की प्राप्ति होती है। और यह भी कहा जाता है कि गौ माता उनकी पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा करने के बराबर का फल प्राप्त होता है। वैसे भी गाय का महत्व तो वैदिक काल से ही चला आ रहा है, और खुद भगवान श्री कृष्ण भी गौ माता से काफी स्नेह रखते थे, इसीलिए उनकी सेवा करते थे। दोस्तों गौ माता की सेवा करने से या उन्हें कोई छोटी से छोटी चीज भी खिला देने से या उनके सामने कोई मंत्र बोलने से बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाता है, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी मुश्किलों में आप फंसे हो, गौ माता की सेवा करने से या फिर उन्हें छोटी से छोटी चीज या उनके प्रति कोई भी उपाय करने से आपकी वह सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। गाय माता को दूध देने वाली माता कहा जाता है। गाय का दूध बहुत ही पौष्टिक होता है। कहा जाता है कि गौ माता को जो दूध होता है वो अमृत तुल्य होता है। गाय के दूध से बने घी, पनीर, दही सबसे शुद्ध होने के साथ ही शरीर के लिए काफी सेहतमंद भी होते हैं। गाय का गोबर, गौमूत्र भी काफी लाभकारी माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि गौमूत्र को पीने से कई प्रकार की गंभीर बीमारियों का भी इलाज हो जाता है। और गाय के गोबर से सूखे उपले बनाकर उसे जलाने से निकलने वाले धुएं से हवा में मौजूद विषैले कीटाणु भी खत्म हो जाते हैं। यही कारण है दोस्तों कि कोरोना काल में भी इसका बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि वातावरण में से एक और कीटाणु और विषाणुओं का नाश हो और साथ ही साथ घर में सकारात्मकता भी फैले। अगर किसी व्यक्ति के मंगल ग्रह के दोष हो या फिर सूर्य दोष हो, तो ऐसे में गौ माता को यदि आप गुड़ खिला देते हैं, वहीं अगर कोई चंद्र ग्रह या शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो गौ माता को रोटी खिला देते हैं, तो आपके जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। दोस्तों आज आज की इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको गौ माता को जो आटा आप खिलाते हैं सुबह सुबह उठ करके, जो आप गौ माता के लिए लोहा निकालते हैं, लोहा भी कहा जाता है, उसे जो निकालते हैं और लोहा खिलाते हैं, अगर आप उसमें एक चीज, खास चीज अगर आप डाल देते हैं, तो आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आ सकते हैं, आपकी रूठी हुई किस्मत भी किस प्रकार से पलट जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। दोस्तों इसके लिए दोस्तों आप सुबह सुबह उठ जाएं, जल्दी उठने के बाद स्नान आदि कर लें और अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के आप स्वच्छ होकर अपने रसोई घर में जाके आप गौ माता के लिए उनके निवेद आप आटा लगाएं, या फिर जो भी आप नित्य अपने घर के लिए खाना बनाने के लिए आटा लगाते हैं वही आटा लगाएं, और उस आटे में बस नमक ना डालें, थोड़ा सा आटा अगर आप हो सके तो आप अलग से लगा लें, और उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से काले चने, जो रात को आपने एक रात पहले ही भिगोए हो, ऐसे चने, थोड़े से चने आप डाल दें और उसका एक लोहा बना करके गौ माता को खिला दें। ऐसा माना जाता है कि गौ माता को यह खिलाने से आपके घर में चाहे दरिद्रता कितनी भी हो, कितनी भी पुरानी हो, बड़े से बड़ा कर्जा हो या फिर अटका हुआ पैसा हो, वह भी मुक्त हो जाता है और रुका हुआ व्यापार भी चल पड़ता है। और अगर आपके कोई नए काम में कोई व्यवधान आ रहे हैं या मुश्किल आ रही है तो वह भी आपकी दूर हो जाती है। दोस्तों वैसे भी कहा जाता है कि हर दिन की सुबह जब भी आप घर में रोटी बने तो पहली रोटी आप गाय को जरूर खिलानी चाहिए या फिर एक रोटी उनके लिए जरूर निकालनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पैसे की तंगी को दूर करने के लिए या फिर धन की प्राप्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए आप कौन सा उपाय कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप अपने घर में गाय के लिए रोटी बनाए, तो रोटी बनाने के बाद उस पर थोड़ा सा गुड़ या फिर शक्कर रख करके या उसमें थोड़े से चीनी के दाने डाल करके उसके बाद आप गाय को रोटी अपने हाथों से खिलाइए। गाय को रोटी खिलाने के बाद आप उनसे हाथ जोड़ करके और अपनी आंखें बंद करके अपनी मनोकामना भी कहें, हो सके तो गाय के कान में आप अपनी मनोकामना कहें। ऐसा कहा जाता है कि गाय के कान में इस प्रकार की मनोकामना कहने से आपके घर में जितनी भी समस्याएं होती हैं या आपके मन में जो भी समस्याएं हैं पैसे से संबंधित, खास करके दोस्तों अगर आपके कोई जीवन में समस्या है तो वह चली जाती है। दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि गौ माता के ऊपर हाथ फेरने का एक उपाय होता है जिसे बहुत ही लाभकारी माना जाता है। कहते हैं कि यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है
और इसे करने से बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव आए हैं। दोस्तों, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वह धन प्राप्ति की मनोकामना हो या फिर अपने जीवन में सफलता प्राप्ति की हो, रुके हुए व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर आपके घर में कोई विवाह संपन्न करने के लिए कोई मुश्किलें आ रही हैं या किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक दिन पहले ही कुछ काले चने भिगो कर रख देने हैं और अगले दिन यानी जिस दिन आपको उपाय करना है उस दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के आप उन काले चनों को लेकर अपने घर में जो मंदिर है वहां पर बैठ जाएं और एक देसी घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि ये देसी घी का दीपक गाय का देसी घी का दीपक होना चाहिए, किसी और घी का नहीं। उसके बाद आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें और अपने घर में जो रसोई घर है वहां पर जाकर के आटा लगाएं और उस आटे में उन चनों को डाल दें और उससे एक रोटी बनाएं। उस रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ रख करके आप गौ माता को खिलाएं और गौ माता को खिलाने के बाद गौ माता की पीठ को सहलाएं और पीठ सहलाते हुए अपनी मनोकामना, जितनी भी आपकी मनोकामनाएं हैं या फिर आपकी जीवन की समस्या है, उन्हें आप कह दीजिए। ऐसा करने मात्र से ही आपके जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और देखते ही देखते आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ये सभी उपाय करने में सक्षम नहीं हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक मंत्र भी बताने वाले हैं। इस एक मंत्र को आपको केवल गौ माता से कह देना है या फिर आप गौ माता के सामने खड़े होकर के इस मंत्र का उच्चारण करें। दोस्तों, गौ माता के लिए किए जाने वाले सभी उपाय 33 कोटि देवी देवताओं को सीधा संबोधित करते हैं और उन तक आपकी बात पहुंचाते हैं, आपकी समस्याएं पहुंचाते हैं। ऐसा माना जाता है कि साक्षात 33 कोटि देवी देवता विद्यमान होने की वजह से गौ माता के लिए किया गया कोई भी उपाय आपको बहुत ही जल्दी फल प्रदान करता है। और सभी उपाय एक तरफ और गौ माता के लिए किया गया उपाय एक तरफ। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाले हैं। ये खास मंत्र है जिसे अगर आप गौ माता के सामने खड़े होकर के बोल देंगे तो आपके जीवन में चाहे कैसी भी समस्या हो और चाहे आपके मन में कैसी भी मनोकामना हो, वह पूरी हो जाती है। बस आपको ध्यान रखना है शुद्धता का। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय के लिए भी आपको जिस दिन भी आप ये उपाय करना चाहें उस दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि करने के बाद अपने सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और अपने घर की साधारण पूजा जो आप हर रोज करते हैं वह अवश्य करें। उसमें माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का भी ध्यान करें। उसके बाद अगर आप कुछ गौ माता को खिला सकते हैं तो वह अपने साथ लेकर के जाएं, या खिलाना चाहते हैं तो भी अपने साथ लेकर के जाएं। लेकिन अगर आप ये सभी कार्य करने में भी सक्षम नहीं है तो आप केवल खाली हाथ चले जाएं और जहां कहीं भी आपको बैठी हुई गाय मिल जाए आप उसके सामने खड़े होकर हाथ जोड़ करके गौ माता की ओर देखते हुए इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है दोस्तों, ओम सर्व देवमय देवी लोकाना शुभ नंदिनी मात मम विशित सकलम कुरु नंदिनी। दोस्तों, इस मंत्र का आपको केवल 5 बार जाप करना है। अगर आपको ये मंत्र याद न रहे तो आप वीडियो को पॉज करके इस मंत्र को लिख लें और उसे अपने साथ लेकर के जाएं और लिखे हुए मंत्र को आप अपने हाथों के बीचों बीच रख करके आप गौ माता से ये 5 बार इस मंत्र को कहें और उसके बाद अपनी सभी मनोकामनाएं भी कह दें। इस मंत्र के उच्चारण के बाद गौ माता को नमन कीजिए और मन में अपनी सभी मनोकामना कह दीजिए। ऐसा करने से आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है और साथ ही में आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपके जो 9 ग्रह होते हैं वह भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह आपको कोई गलत प्रभाव दे रहा है तो वह आपको सकारात्मक प्रभाव देने लगता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको जब भी मौका मिले तो गौ माता की सेवा अवश्य करें, उन्हें हरा चारा खिलाएं, रोटी आदि खिलाएं, जितनी संभव हो उतनी आप उनकी सेवा करें। महीने में एक बार गौशाला अवश्य जाएं और वहां जाकर के गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली या जय गौ माता की एक बार अवश्य लिखें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंगबली।